नमस्कार, मैं कमल कौशिक, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और खबर की टैटक में आपका स्वागत है। आज बड़ा दिन है, बड़ा दिन इसलिए क्योंकि आज ही लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। कितने चरण में लोकसभा का चुनाव होगा और किस चरण में किस राज्य में वोटिंग होगी, कितने वोटर्स अब देश में हैं और क्या तैयारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, इन तमाम सवालों के जवाब दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलेंगे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ी जानकारियां मिलती हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस स्ट्रीमिंग होगी। लोकसभा चुनाव की तारीख का इंतजार आप सभी कर रहे होंगे क्योंकि ये चुनाव बड़ा दिलचस्प चुनाव होने वाला है, इसलिए इस पर नजर लगातार बनी भी रहेगी। चुनाव की हम बात करेंगे लेकिन आज एक और बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम भी हो सकता है और हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा को लेकर भी कई चर्चाएं हैं। हरियाणा को लेकर चर्चा यह है कि आज हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार भी होने जा रहा है, ऐसी जानकारी खबरें अभी तक के पास आई तो हमने आपको वो जानकारी बताई। सबसे पहले हमने आप तक ये जानकारी पहुंचाई थी लेकिन सवाल यह है कि मंत्री कौन बनेगा। जी हाँ, कौन कौन ऐसे विधायक है जिनको मंत्री पद मिल सकता है, यह सवाल बड़ा है। वैसे तो चर्चाओं में कई नाम है लेकिन फिर भी इंतजार किया जा रहा है कि आज हरियाणा में किसको ये मौका मिलेगा कि मंत्री बनाया जाए। तो आज नायब मंत्रिमंडल का विस्तार भी होने जा रहा है। सुबह 11 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह भी रखा गया है, ऐसी जानकारी मिली है। हमारे स्टेट हेड, हमारे पॉलिटिकल एडिटर दोनों ग्राउंड पर मौजूद रहकर पल पल की खबर और जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और हम वो नाम भी आपको बताएंगे जो चर्चाओं में चल रहे हैं और सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि पूरा हरियाणा ये जानना चाहता है कि 5 मंत्रियों के अलावा और कितने मंत्री बनाए जाएंगे और ये मंत्री कौन होंगे, क्या नए चेहरों को मौका मिलेगा। जो विधायक 2019 में चुनकर आए, जो मंत्री नहीं बन पाए थे, क्या उनमें से किसी को मौका मिलेगा, क्या रिपीट होंगे फिर से कुछ मंत्री, क्योंकि कुछ मंत्रियों को तो शपथ दिलवा दी गई थी जिसमें कौरपाल गुर्जर, जेपी दलाल, मूलचंद शर्मा, रणजीत सिंह, बनवारीलाल शामिल हैं लेकिन बाकी मंत्री भी तो अब बचे हैं। तो हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम जानकारी जुटाएंगे। राजभवन से हमारे साथ पहले भी जुड़ चुके हैं, बहुत सी अहम जानकारी लगातार पल पल की अपडेट उनके पास आ रही है और वो आप तक वो जानकारी जरूर पहुंचाने वाले हैं। इसके अलावा जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड भी जुड़ेंगे हमारे साथ, उनके पास भी जानकारी है और जो जानकारी हम तक पहुंच पा रही है वो सीधे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ा सा इंतजार और कीजिए आप, आज राजभवन में 5 से 6 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर जुड़ चुके हैं, उनसे हम सीधे बातचीत करते हैं। अनिल, दर्शकों से सीधे मैं आपको जोड़ रहा हूं, जो भी जानकारी आपके पास हो आज के मंत्रिमंडल विस्तार के कार्यक्रम को लेकर आप सीधे दर्शकों को बताइए। उत्सुकता है दर्शकों में भी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासकर, कौन बनेगा मंत्री, सवाल बड़ा है। कौन कौन से चेहरे इस समय सुर्खियों में बने हुए हैं कि उनका नाम सबसे आगे चल रहा है? देखिए कमल, बड़ा अपडेट देना चाहूँगा राजभवन की। अगर बात करें राजभवन में यूँ तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तमाम तैयारियां पुख्ता कर ली गई थी। जो अंदर व्यवस्था होती है शपथ ग्रहण समारोह के लिए, जो मंच सजाया जाता है, वो तैयारियां पूरी कर ली गई थी। जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो भी यहाँ पर लगा दी गई थी। जो चंडीगढ़ पुलिस की जो इंस्पेक्शन सिस्टम है वो भी यहाँ पर लगा दिया गया था ताकि जो भी लोग अंदर जाएंगे वो अपना जो लगेज है वो यहाँ पर चेक करवाएँ और बड़ी जो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी वो यहाँ पर कर दी गई थी। लेकिन इसी बीच जो 4 से 5 गाड़ियाँ जो राजभवन भी पहुंची थी, जो गाड़ियां पूर्व मंत्रियों के पास होते थे, पूर्व डिप्टी सीएम के पास जो फोर्ड की एंडेवर गाड़ी होती थी, पूर्व गृह मंत्री के पास वोल्वो की जो गाड़ियां होती थी, वो 5 गाड़ियां यहां पर पहुंच गई थी। लेकिन कमल, उसमें बड़ा अपडेट यह है कि जो 5 गाड़ियां आई थी राजभवन के इस गेट तक, यहां तक आई थी, इस गेट से यहां तक आने के बाद गेट के अंदर वो गाड़ियां नहीं गई, वो गाड़ियां यहां से वापस चली गई। उन गाड़ियों के वापस जाने के बाद अब कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जो मंत्रिमंडल विस्तार आज होना था, शायद वो मंत्रिमंडल विस्तार आज न हो। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ऐसी संभावना लग रही है कि कोई पेज फंस गया है, क्योंकि जो नाम डिसाइड किए गए थे, सीमा त्रिखा का नाम लगभग फाइनल बताया जा रहा था, संजय सिंह का नाम फाइनल बताया जा रहा था, भव्य विष्णु के नाम पर भी मुहर लग चुकी थी, अग्रवाल समाज से ज्ञानचंद गुप्ता नए बनते तब उस सूरत में कमल गुप्ता रिपीट हो सकते थे, सुभाष सुधा का भी लगभग फाइनल बताया जा रहा था नाम, एक नाम यादव समाज से बताया जा रहा था, ये 5 के करीब नाम लगभग फाइनल थे। उन नामों को लेकर सहमति बन गई थी, बाकायदा मैसेज भी यहाँ पर दे दिया गया था। जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट भी राजभवन में और राजभवन के बाहर पूरे के पूरे अरेंजमेंट कर दिए गए थे। लेकिन बड़ा अपडेट ये है कि जिस
तरीके से जो मंत्रियों के लिए जो गाड़ियां आई थी, जो 5 गाड़ियां आई थी, उन गाड़ियों को वापस भेज दिया गया। और जो हमारे सूत्र है, सूत्र दावा कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार में कोई पेच फंस गया है। मंत्री कमल इस खबर को आप ब्रेक भी करा सकते हैं, फुल प्लेट की जो मंत्रिमंडल विस्तार है, मंत्रिमंडल विस्तार में कोई पेच फंस चुका है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो गया कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार होगा या नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से जो 5 गाड़ियां आई थी, उन 5 गाड़ियों को यहीं से वापस भेज दिया गया। उसके बाद अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई पेच फंस चुका है। ऐसे में अगर वो पेच फंसा रहा तो शायद मंत्रिमंडल विस्तार पर आज रोक लग जाए, शायद मंत्रिमंडल विस्तार न हो पाए। इस तरीके की जो बातें हैं वो सामने आ रही है। हालांकि अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है, अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है, तब मानकर चलिए कि सीमा त्रिखा का दावा मजबूत है, संजय सिंह का दावा मजबूत है, एक यादव समाज से मंत्री बनेगा, एक अग्रवाल समाज से मंत्री बनेगा, अनिल विज मना कर चुके थे कि वो मंत्री नहीं बनेंगे, निर्दलीयों को लेकर भी एक सहमति बीजेपी में बन गई थी कि निर्दलीयों को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। और इस तरीके से जो एक प्रारूप था मंत्रिमंडल का, जो फेरबदल का, वो फेरबदल का प्रारूप, जो एक्सटेंशन का जो प्रारूप तैयार किया था मंत्रिमंडल विस्तार का, वो प्रारूप पूरा तैयार कर लिया गया था, लेकिन निर्दलीयों को नहीं मंत्री बनाया जा रहा, अनिल विज मंत्री नहीं बनेंगे, इन सब के बीच अब कोई पेच फंसा है मंत्रिमंडल विस्तार को। अब ऐसे में कयास लग रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार पर शायद कोई ब्रेक लग जाए। अगर 1 घंटे पहले की गतिविधि देखें और आज आपने अभी जब राजभवन की तरफ रुख किया था, आप लगातार सुबह से नजर बनाए हुए हैं, उन गतिविधियों में आप तुलना करके बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि आज मंत्रिमंडल विस्तार का जो कार्यक्रम है वो टल भी सकता है। जो जानकारी आप हम तक पहुंचा रहे हैं सूत्रों के हवाले से, आप तक भी जानकारी पहुंचेगी। अनिल, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार फिर से ये जानकारी अगर दोहरा दें आप और क्लियर कर दें कि अभी थोड़ी देर पहले तक सब कुछ साफ था कि मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, 11 बजे कार्यक्रम हो सकता है शुरू भी हो जाए, लेकिन अब गतिविधि जो तेजी से चल रही थी वो धीमी हुई है। बिल्कुल, देखिए तैयारियां, देखिए आप खुद देखिए, देखिए जो ये चंडीगढ़ पुलिस की जो इंस्पेक्शन वैन है, ये इंस्पेक्शन वैन इंस्पेक्शन सिस्टम के साथ तब खड़ी होती है जब राजभवन में कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, जब ज़्यादा गैदरिंग लोगों की होती है, तब जितने भी लोग जाते हैं अपना लगेज इस इंस्पेक्शन वैन में चेक कराते हैं, तब वो उनको राजभवन में एंट्री मिलती है। इंस्पेक्शन वैन तभी आती है जब राजभवन में बड़ा कार्यक्रम होता है। आप देखिए बड़ी संख्या में हरियाणा पुलिस के जवान, चंडीगढ़ पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 5-7 गाड़ी और यहाँ पर स्कॉर्पियो खड़ी थी, वो यहां से अभी गई गई है। और जो ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस के जवान यहां पर तैनात किए गए हैं। राजभवन के अंदर कर्मचारियों का, अधिकारियों का आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है, तैयारियां पूरी है कमल, तैयारियों में किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। जो टेंट की व्यवस्था थी वो हॉल के अंदर भी की गई थी, तो तैयारियां पूरी की गई थी। मीडिया का भी पूरा जमावड़ा यहां पर लगा हुआ था और राजभवन के अंदर बाहर लगातार कर्मचारी अधिकारी आ रहे हैं जा रहे हैं, तैयारियां पूरी थी। और जो 4 से 5 गाड़ियां कमल आई भी थी, जो राजभवन का मुख्य द्वार है, इस मुख्य गेट तक वो गाड़ियां आई थी। सबसे आगे गाड़ी जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पास थी, फोर्ड एंडेवर गाड़ी वो थी, उसके बाद वोल्वो गाड़ी थी जो पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के पास होती थी, उसके अलावा 3 गाड़ियां और थी जिनमें 2 फॉर्च्यूनर और 1 सीआरवी गाड़ी थी। ये 5 गाड़ियां यहां पर आई थी, लेकिन एकाएक एक पुलिस अधिकारी बाहर आते हैं, उनकी तरफ से कोई मैसेज ड्राइवर को दिया जाता है, फिर वो गाड़ियां एकाएक यहां से मुड़ जाती है। इसके बाद कयास लग रहे हैं कि जब गाड़ियां आई थी यहाँ पर, प्रोटोकॉल सेक्शन जब गाड़ियाँ यहाँ पर भेजी थी, उसके बावजूद जब गाड़ियाँ वापस गई है, तो वो लगता है कि कोई बड़ी बात है। और जो हमें जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने मना कर दिया कि वो मंत्री नहीं बनेंगे, जो निर्दलीय है, निर्दलीयों को मंत्री न बनाने का फिलहाल फैसला लिया गया, फैसला ये था कि 4 से 5 मंत्री अब बनाए जाएंगे, जो 3 के करीब जगह बच जाएगी वो बाद में एडजस्ट की जाएगी, इन सब को देखते हुए शायद ये फैसला लिया गया। क्योंकि दिल्ली से मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुँच चुके हैं चंडीगढ़, वो मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद है, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुँच चुके हैं, वो हरियाणा निवास में मौजूद हैं, और अब एक बार पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों बैठेंगे, बातचीत करेंगे, उसके बाद सारी चीज़ें जो है वो साफ हो जाएगी कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आखिरकार क्या फैसला करना है। क्योंकि अभी तक जो सूचना थी, जो जानकारी थी, उसके तहत जो मंत्रिमंडल विस्तार है, मंत्रिमंडल विस्तार होना था, लेकिन जो फिलहाल घटनाक्रम एकदम से बदल रहे हैं, तेजी से बदलते घटनाक्रम में शायद मंत्रिमंडल विस्तार न हो, मंत्रिमंडल विस्तार पर ब्रेक लग जाए, ऐसी संभावना चल रही है। हालांकि जो पहले कार्यक्रम था, पहले कार्यक्रम के अनुरूप अगर कार्यक्रम होता है, तब सीमा त्रिखा, भव्य बिश्नोई, एक अग्रवाल समाज से, एक पंजाबी समाज से, एक यादव समाज से, इन सबका मंत्री बनना लगभग तय था, संजय सिंह का मंत्री बनना तय था, वो सारी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। अनिल, आज आचार संहिता भी लगनी है, चुनावों की घोषणा होनी है, लोकसभा चुनाव का इंतजार भी किया जा रहा है। एक तकनीकी सवाल है, अगर आप जैसा कि कह रहे हैं कि अगर टलेगा, अगर टल सकता है मंत्रिमंडल विस्तार और आचार संहिता भी लगनी है, तो इसका कोई प्रभाव, कोई असर तो नहीं पड़ेगा आने वाले वक्त में कि फिर मंत्रिमंडल
विस्तार कैसे होगा, इस तरह के सवाल भी लोगों के जहन में होंगे, उनके भी जवाब दीजिए। आचार संहिता से इसका क्या कनेक्शन हो सकता है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि आज आचार संहिता लग जाएगी, 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने, 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें लोकसभा चुनाव की घोषणा की जाएगी। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही जो आचार संहिता है वो ऑटोमेटिक लग जाएगी, और आचार संहिता लगने के बाद अगर बात करें जो भी सरकारी काम होते हैं, सरकारी उद्घाटन होते हैं, शिलान्यास होते हैं, योजनाएँ जो सरकारी जो शुरू होती है, उस तरीके के काम नहीं हो सकते। राजनीतिक तौर पर देखा जाए मंत्रिमंडल की घोषणा की जा सकती है, मंत्रिमंडल ओथ ले सकते है, लेकिन है। जो मंत्री बनेंगे उनको पोर्टफोलियो नहीं दिए जा सकते, नए मंत्री अपना पदभार नहीं संभाल सकते, इस तरीके की टेक्निकल दिक्कतें होती है। ऐसे में संभावना लग रही है कि अगर आज मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होता, अगर आज मंत्रिमंडल विस्तार रुक जाता है, तब ऐसे में जो 5 मंत्री बनाएंगे थे उनके पोर्टफोलियो आज डिसाइड कर दिए जाएंगे। पोर्टफोलियो किसी भी सूरत में आज दोपहर तक जो है अलॉट जो डिपार्टमेंट्स करने हैं मंत्रियों को, वो डिपार्टमेंट अलॉट कर दिए जाएंगे। मानकर चलिए कि 1 बजे से पहले सभी मंत्रियों को, जो 5 मंत्री बने थे, उन 5 मंत्रियों को उनके विभागों का आवंटन कर दिया जाएगा, उनको मंत्रालयों का आवंटन कर दिया जाएगा। अनिल, आपके साथ हम जुड़ेंगे, फिलहाल के लिए शुक्रिया, आपने राजभवन से जानकारी दी है। तो एक बड़ी बात बता दें, आपको बड़ा अपडेट देते हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर लगातार गतिविधियां देख रहे थे, राजभवन के बाहर मौजूद हैं, उन्होंने एक जानकारी दी है कि ऐसा लग रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में कोई पेच फंसा हो। हालांकि पोर्टफोलियो जो कि विभाग का बंटवारा है, जो 5 मंत्री बनाए गए थे, हमने नाम भी लिए, कौर पाल गुर्जर है, जेपी दलाल है, मूलचंद शर्मा है, रणजीत सिंह है, बनवारी लाल है, अब इनको आज विभाग बांटे जा सकते हैं, ये लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि आचार संहिता भी लगनी है, फिर कामकाज तो बड़े स्तर पर होते नहीं है, उद्घाटन शिलान्यास भी नहीं होते हैं आचार संहिता में, पूरे देश में कोई भी राज्य सरकार हो नीतिगत फैसले नहीं ले सकती सरकार, तो ये जरूर थोड़ी सी दिक्कत परेशानी हो सकती है। लेकिन क्या आज ही ओथ ली जाएगी नए मंत्रियों की तरफ से, सवाल अभी भी बरकरार है, असमंजस की स्थिति बनी हुई है ऐसा लग रहा है, क्योंकि राजभवन के बाहर जो गतिविधि पहले थी वो गतिविधि अब दिखाई नहीं दे रही। राजभवन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, और इससे पहले जिन मंत्रियों ने शपथ ली थी, क्या उनको आज ही विभागों का बंटवारा उनके लिए हो सकता है, ये भी सवाल अभी है, इसका जवाब भी मिल जाएगा। जल्दबाजी में हम कुछ नहीं कहना चाहते, जो भी जानकारी हम तक आ रही है हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अभी कई नाम चल रहे हैं कि मंत्री उनको बनाया जा सकता है, निर्दलीय विधायकों में से किसको बनाया जाएगा मंत्री, ये भी सवाल बड़ा है। इसके अलावा अगर बीजेपी विधायकों की बात करें तो क्या बीजेपी विधायकों में से किसी को मौका मिल सकता है, अब चर्चाएं बहुत हैं, सुभाष सुधा का नाम कोई सोशल मीडिया पर कह रहा है, और इधर उधर बाकी विधायकों के नाम नहीं जा रहे, जो समर्थक है विधायकों के वो अपने विधायक का, अपने नेता का नाम आगे कर रहा है, जींद से कृष्ण मिड्डा का नाम चल रहा है, सीमा त्रिखा बड़खल से उनका नाम चल रहा है, महिला कोटे से क्या उनको मौका मिलेगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे पहले कमलेश ढांडा राज्य मंत्री थी हरियाणा की, उनको मौका मिला था, लेकिन नायब सिंह सैनी की टीम में किसको जगह मिलेगी, नए मंत्री कौन होंगे, ये सवाल अभी है। इस पर हम बातचीत कर रहे हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, और हरियाणा के लोग जाना चाहते हैं खबरें, अभी तक वो जिम्मेदार चैनल है जो सटीक जानकारी आप तक पहुंचाता है, इसलिए हम कोई भी जल्दबाजी ना करके तथ्यों पर आपको बताएंगे, और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो पक्के सूत्र बता रहे हैं, वो जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी भी जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। जितेंद्र, अभी अनिल मोर जानकारी दे रहे थे कि राजभवन के बाहर जो गतिविधि पहले थी वो गतिविधि अब नहीं दिखाई दे रही है, लगभग 4-5 गाड़ियां आती हैं फिर वो वापस चली जाती हैं, जो पहले मंत्रियों की गाड़ी हुआ करती थी। खैर, अभी सवाल है कि मंत्रिमंडल का विस्तार 11 बजे के बाद देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो किन चेहरों को जगह मिलेगी, किन विधायकों को इस नायब कैबिनेट की टीम में जगह मिलेगी, ये सवाल बड़ा है। अभी आपके सूत्र क्या बता रहे हैं जितेंद्र, आप क्या दर्शकों को बता सकते हैं, सबके मन में एक ही सवाल है, कौन बनेगा मंत्री? देखिए बिल्कुल कमल, अभी जो गतिविधि यहाँ पर चल रही है उसके मुताबिक जो सुरक्षा कर्मियों की जो तैयारी है, जो चाक चौबंद रहने को लेकर जो तैयारी है, वो तैयारी मुकम्मल कर ली गई है, और इसको लेकर के जो तमाम, चाहे वो डिटेक्टर्स को लेकर के हो, जो मेटल डिटेक्टर यहाँ पर लगाए जाते हैं सुरक्षा के मद्देनज़र, और इसके अलावा भी अंदर अगर हम बात करें तो जो है पूरे तरीके से जो हलचल है वो तेज है, और सुबह से ही ये हलचल देखने के लिए मिल रही है, मीडिया कर्मियों का जो जमावड़ा है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अभी तक ऑफिशियल तौर पर अगर हम बात करते हैं तो
ऑफिशियल तौर पर अभी तक कोई जानकारी जो है वो मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के अभी तक नहीं दी गई है, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि ये जो मुकम्मल तैयारियां हैं और आज का दिन जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। कमल, हमारी कुछ जो विधायक है उनसे बात भी हुई है इस बात को लेकर के कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के आखिर उनका क्या कहना है, उनको चंडीगढ़ आने को लेकर के या चंडीगढ़ में रहने को लेकर के जो अलर्ट है वो दिया गया है, जिस तरीके की जानकारी हमें अभी तक मिल पाई है। और इसमें जो खास बात रहने वाली है, अभी तक जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कमल, उसके मुताबिक ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जो निर्दलीय विधायक हैं इस कैबिनेट विस्तार के अंदर उनका नंबर ना लगे। ये अपने आप में उन निर्दलीय विधायकों के लिए अच्छी खबर नहीं है जो इस बात की बाट जो रहे थे। हालांकि इसको लेकर के एक लंबा मंथन कल जो है रात भी केंद्रीय नेतृत्व के साथ सीएम नायब सैनी का हुआ है और साथ ही आज भी इसको लेकर के मंथन लगातार बरकरार है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो पूर्व में जो गृह मंत्री थे, यानी जो है गठबंधन की सरकार में जो गृह मंत्री थे इससे पहले अनिल विज, उनको लेकर के भी संशय जो है वो पूरे तरीके से बरकरार बना हुआ है। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं उनसे किसी प्रकार का जो संपर्क है वो अभी तक नहीं साधा गया है। तो ऐसी स्थिति में एक बड़ा चेहरा है अनिल विज और जो है जनता से जुड़े हुए वो लोग जो है चेहरे के तौर पर अनिल विज को देखा जाता है। जनता दरबार भी जब वो लगाते थे हजारों तादाद में जो भीड़ है वो अंबाला में उनके आवास पर इकट्ठा होते हुए नजर आती थी, हमने वो तस्वीर भी देखी है और वहां किस प्रकार से न्याय दिलाने का काम वो करते थे। तो ये अपने आप में संशय जो है अभी तक बना हुआ है। जहां तक बात की जाए इसके अंदर नाम कौन कौन से शामिल किए जा रहे हैं, कमल आपने भी सवाल किया, अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक जो है बड़कल विधानसभा क्षेत्र से सीमा त्रिखा का नाम जो है वो इसके अंदर अभी चर्चा के अंदर है शामिल। हालांकि फाइनल अभी होना बाकी है क्योंकि संशय लगातार चल रहा है। यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो इस बात पर संशय बनाए हुए हैं कि आखिर कैबिनेट विस्तार को लेकर के क्या रहने वाला है। लेकिन सीमा त्रिखा की बात करें हम, सोना से विधायक संजय सिंह की अगर हम बात करते हैं, उनका जो नाम है वो इसके अंदर चर्चा के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा ओपी यादव को दोबारा से रिपीट करने की बात की जाएगी, गठबंधन सरकार की कैबिनेट में भी वो थे और राव इंद्रजीत के विश्वास पात्र के तौर पर ओपी यादव को माना जाता है, ओपी यादव का नाम भी इसके अंदर जो है वो शामिल किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो लक्ष्मण नापा हैं रतिया से विधायक हैं उनके नाम को लेकर के भी चर्चा जो है वो चल रही है कमल, क्योंकि अभी संशय बरकरार है तो फाइनल जो सूची है वो बनना बाकी है। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इन नामों को लेकर के कैबिनेट में आज शपथ ग्रहण या फिर जो कैबिनेट विस्तार है उसके अंदर इन नामों को पूरे तौर पर शामिल किया जा सकता है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें जो इस बेल्ट से कुरुक्षेत्र अम्बाला की जो बेल्ट है यहाँ से भी जो मंत्री हैं वो इसके अंदर शामिल करने का पूरा प्रयास जो है वो रहने वाला है। तमाम जातीय समीकरणों को साधने के साथ साथ किस प्रकार से आगे जो है वो बढ़ा जाए इसको लेकर के आज का ये कैबिनेट विस्तार काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा था। हालांकि जो तैयारी है उस तैयारी को देखते हुए अगर हम बात करते हैं तो फिलहाल जो सुरक्षा कर्मियों की पूरी तैयारी जो है वो यहाँ देखने के लिए मिल रही है कि अगर अलर्ट होता है तो मात्र 20 से 25 मिनट के अंदर इस पूरे प्रोग्राम को निपटा दिया जाएगा, इस तरीके की भी जानकारी है। लेकिन अभी तक ऑफिशियली राजभवन की बात करें, सरकार से जुड़े सूत्रों की बात करें, ऑफिशियली इसको लेकर के अभी तक भी कोई जो जानकारी है वो सामने निकल करके नहीं आई है। अलर्ट जरूर किया गया है, विधायकों को भी अलर्ट किया गया है, सिक्योरिटी को भी अलर्ट किया गया है, लेकिन शपथ ग्रहण को लेकर के अभी तक कोई भी बात स्पष्ट सामने निकल करके नहीं आ रही है। जी जितेंद्र, अभी हम कुछ दिन पहले जब बातचीत कर रहे थे और जो नए मंत्री बनाए गए हैं जिनमें रिपीट किया गया मंत्रियों को, 5 मंत्री उनमें शामिल हैं, उनका नाम तो उसी दिन साफ हो गया था जब खुद नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। लेकिन निर्दलीयों की आपने खासतौर पर बात की है, ये वाकई में बहुत बड़ी बात है अगर ऐसा होता है, क्योंकि अभी तो नाम सामने आने बाकी हैं, चर्चाएं हैं राजनीतिक गलियारे में, अलग अलग चर्चाएं होती हैं। अगर निर्दलीय विधायकों को वाकई में झटका लगता है कि किसी भी विधायक का नाम मंत्री पद के लिए नहीं आता है, वो समर्थन भी दे रहे हैं, तो इसका असर किस तरह से आप देखते हैं, उनके मन में किस तरह की पीड़ा रही होगी, क्योंकि कुछ तो वो विधायक भी हैं जो कभी बीजेपी में हुआ करते थे, बीजेपी से टिकट नहीं मिली 2019 में, इंडिपेंडेंट लड़ा और जीते भी और फिर भी बीजेपी के साथ रहे और अब भी मंत्री पद नहीं मिला, तो बड़ा मलाल रहेगा उनके मन में। देखिए बिल्कुल कमल, अगर हम बात करें निर्दलीय विधायकों में, अगर जो नाम की बात करें, अभी तक रंजीत सिंह को ही जो मंत्री है वो बनाया गया था, हालांकि गठबंधन की सरकार में भी वो मंत्री थे और अभी भी जो है उन्हें मंत्री पद की जो शपथ है वो दिला दी गई। हालांकि पोर्टफोलियो अभी तक नहीं आए हैं और उम्मीद यही है कि आज जो पोर्टफोलियो है
वो आवंटित भी कर दिए जाएंगे। इस तरीके की उम्मीद जरूर की जा रही है, चाहे वो 5 मंत्रियों के पोर्टफोलियो हों या फिर विस्तार के साथ जो मंत्री बनेंगे उनके पोर्टफोलियो की बात करें, वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। इसी के साथ साथ अगर निर्दलीय विधायकों में अगर हम बात करें, हमने अपने दर्शकों को अभी बताया भी कि कुरुक्षेत्र अम्बाला की जो सीट है उसको खासतौर से ध्यान में रखा जाएगा, लोकसभा क्षेत्र को ध्यान में रखा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में रणधीर गोलन जो है वो निर्दलीय विधायक हैं, तो उनको लेकर के कोई जो चर्चा है वो देखने के लिए मिल सकती है कि उनका नाम जो है वो किस तरीके से इसमें शामिल किया जाए। लेकिन अभी तक जो अभी असमंजस है वो पूरे तौर पर यहाँ पर बना गया हुआ है, क्योंकि चाहे सरकार की बात करें या राजभवन से जुड़े सूत्रों की बात करें, अभी तक इसको लेकर के स्पष्ट नहीं कहा जा रहा है। तैयारी हालांकि तमाम मुकम्मल कर ली गई है, तैयारी विधायकों को मैसेज देने को लेकर के भी कर ली गई है। कुछ जो मंत्री बनने हैं जो विधायक, वो विधायक चंडीगढ़ के अंदर ही अपने परिवार के साथ मौजूद हैं। इस स्तर की जो तैयारी है वो कर तो ली गई है, लेकिन ऑफिशियली अभी तक मीडिया को या फिर प्रदेश के जो लोग हैं उनको जो जानकारी है वो किसी प्रकार से मीडिया के माध्यम से नहीं दी गई है। तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अभी भी कुछ जो है वो राज्य के स्तर पर, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के स्तर पर या फिर केंद्र के स्तर पर कुछ चीज़ें हैं जिन्हें डिस्कस करना बाकी रह गया है, और जैसे ही ये मुकम्मल तौर पर हो जाएगा हम भी अपने दर्शकों को इस पुख्ता जानकारी को देते हुए नज़र आएंगे। लेकिन फिलहाल असमंजस की स्थिति जो है वो देखने के लिए मिल रही है। सिक्योरिटी अलर्ट तो इसलिए भी कमल होता है कि अगर एकाएक इस प्रकार की स्थिति बनती है तो इन तमाम व्यवस्थाओं को करने में एक लंबा समय लगता है, तो इसलिए इस प्रकार का अलर्ट जो है वो बना होता है और उस अलर्ट को एहतियातन तौर पर रख दिया जाता है कि इस प्रकार की स्थिति अगर बनती है, क्योंकि मीडिया और सोशल मीडिया की सुर्खियों को ध्यान में रखते हुए कोई कोताही जो है सिक्योरिटी के लिहाज से ना रह जाए, इसको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की तैयारी जो है वो लाजमी स्तर पर देखने के लिए मिलती है। कमल जी, एक सवाल और भी है। 4 चेहरे हम इस समय दिखा रहे हैं स्क्रीन पर दर्शकों को, इनमें कृष्ण मिड्डा का नाम है, सीमा त्रिखा का नाम है, इसके अलावा कोई गतिविधि है तो दिखा सकते हैं आप जितेंद्र, राजभवन। जी कमल आप बताइए। जी ओपी यादव, कृष्ण मिड्डा, संजय सिंह और सीमा त्रिखा, क्या लगता है ये भी इस दौड़ में आगे दिखाई दे रहे हैं मंत्री पद की दौड़ में? देखिए फिलहाल अब क्योंकि छन करके नाम सामने आ रहे हैं तो इस दौड़ के अंदर इनके नाम जो है वो आगे देखने के लिए मिल रहे हैं। हालांकि कृष्ण मिड्डा को लेकर के इन नामों में भी अभी संशय है, लेकिन जो बाकी जो नाम हमने बताए हैं उन नामों को लेकर के जो है ये कह सकते हैं प्राय प्राय के वो पहले नंबर पर नाम जो है वो चल रहे हैं। कृष्ण मिड्डा को लेकर के या फिर सुभाष सुधा को लेकर के अभी जो चर्चा है वो चल रही है कि सुभाष सुधा को क्या इसके अंदर शामिल किया जा सकता है, क्योंकि पंजाबी समुदाय से भी जो प्रतिनिधित्व है वो कैबिनेट के अंदर रहना चाहिए, और दूसरी तरफ सभी बातों को ध्यान में रखा जा रहा है। इस बात को भी ध्यान में रखा जा रहा है कि करनाल लोकसभा सीट में जातीय समीकरण क्या कहते हैं, इस कैबिनेट के अंदर वो तमाम जातीय समीकरण पुंजोर तौर पर दिखने चाहिए, क्योंकि खुद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में किसी जातिगत कोई नाराजगी जो है वो उनके प्रति ना हो, इस बात को भी अंदर खाने ध्यान में रखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, आपसे अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे जितेंद्र चौधरी, फिलहाल के लिए धन्यवाद, आपने जानकारी दी। खबर की टैटक में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसके बारे में जानकारी आपको दे दें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है, जी हां, कोर्ट से जमानत मिली है, और ये जमानत ऐसी जमानत है जिसको हम कह सकते हैं कि ये बड़ी राहत है अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अग्रिम जमानत मिली है। जी हां, और अग्रिम जमानत मिलने के बाद निकले हैं कोर्ट से, ईडी की शिकायत से जुड़ा यह मामला है। आप जानते हैं कि ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए थे अरविंद केजरीवाल, क्या कुछ कहा जा रहा है सुनते हैं। सीएम साहब को जब डायरेक्शन हुई थी तो सीएम साहब ने कहा था मैं फिजिकली अपियर हूंगा, उसको फॉलो करते हुए आज सीएम साहब अपियर हुए और बेल बॉन्ड अपने सबमिट किए, बेल ग्रांट हुई, और उसके बाद सीएम साहब क्योंकि बाकी प्रोसीडिंग अभी चल रही है तो सीएम साहब अपना कोर्ट के ऑर्डर को ओबे करते हुए कोर्ट में अपियर होके अपनी उनको बेल बॉन्ड एक्सेप्ट करने के बाद ये सीएम साहब निकल गए। आगे क्या कुछ हो सकता है इस मामले में, क्योंकि ईडी लगातार आरोप लगाती रही है कि ईडी समन का देखिए ईडी के समन्स के बारे में हमारा बिल्कुल क्लियर कट स्टैंड है कि वो एज पर लॉ नहीं है, इलीगल है,
तो उसको अब ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगी, क्योंकि ईडी कोर्ट में आ गई है, हम लोगों को कोर्ट में पूरा फेथ है, ईडी भी कोर्ट में आ गई है, तो कोर्ट अब जो भी डायरेक्शन देगी, जो भी डिसीजन होगा कोर्ट का, उसके अकॉर्डिंगली अगला डिसीजन हमारा। सीएम साहब कोर्ट से निकल गए हैं और बेल बॉन्ड उनके एक्सेप्ट हो गए हैं, इसलिए बाकी प्रोसीडिंग जो है वो चल रही है। तो आपने सुना, बेल बॉन्ड भी अप्रूव हो गए हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोर्ट पहुंचे थे, कोर्ट से रवाना हो चुके हैं, लेकिन कह सकते हैं उनके लिए थोड़ी राहत तो जरूर है। खबर की तय तक में तय, अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।